सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन के चिल्ड्रन पार्क का दौरा किया और पार्क की कमियों के बारे में जाना और उन्हें सुधारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार और पूर्व शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद भी मौके पर मौजूद रहे। सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन के चिल्ड्रन पार्क का दौरा किया और पार्क की कमियों के बारे में जाना और उन्हें सुधारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार और पूर्व शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद भी मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर विधायक शांडिल ने कहा कि उन्हें पार्क की दुर्दशा के बारे में पिछले काफी समय से सूचनाएं मिल रही थी। इसके लिए वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जो शिकायतें उन्हें मिली थी वे बिल्कुल सही थी। पार्कों में जो पैसा मुरम्मत हुआ और विकास के लिए खर्च किया गया था वे यहाँ नजर नहीं आ रहा है, जो एक दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर्यटक और मेहमान जो माल रोड और पार्क में घूमने आते हैं उनके आगे शहर को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसके लिए हमें सभी कार्य ईमानदारी से करने चाहिए। इस मौके पर सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि यहाँ झूलों की व्यवस्था बिल्कुल खराब है, यहाँ रंग रोगन के साथ पौधारोपण की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति खंडित पड़ी है जिसे देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे इस मूर्ति की जल्द ही मरम्मत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जो युवा यहाँ सुबह के समय कसरत करने आते हैं उनके लिए ओपन जिम बनाने के लिए वे 4 लाख रुपए विधायक निधि से प्रदान करेंगे। चिल्ड्रन पार्क को कई बार देखा जा चुका है, यहाँ पे जितनी भी हमारी पहली सुविधाएं थी अच्छी बात थी कि हमारे बिल्डर मोहन साहब और उनके परिवार वालों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा दी, दान की, परंतु ये खंडित और बुरी अवस्था में है जिसका ठीक होना बहुत अनिवार्य है। हमने अपने जगनों मोहताज को काम दिया कि ये विद इन दिस वीक उनसे लोगों से संपर्क करेंगे और यदि वो दोबारा इसको दान देना चाहें उस प्रतिमा को उनकी ओर से ही इसको लगा दिया जाएगा। यदि ये किसी वजह से नहीं भी पॉसिबल है तो हम स्वयं इस प्रतिमा को लेंगे, इसको रिपेयर प्रॉपर दूसरी अच्छी बनाएंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे वृक्ष पौधारोपण की बात कही गई वो बिल्कुल ठीक आया, शायद इसमें लोगों ने सवाल भी उठाए हैं कि नहीं कुछ हुआ, तो जब ये यहाँ पे पौधारोपण होगा तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी में इसको हरा भरा बना दिया जाएगा। इससे पहले हम यहाँ का जो जितनी अवसंरचना है, जितने भी यहाँ की चीज़ें, यहाँ के हमारे सिटी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनको ये काम दिया गया है, उन्होंने वेरियस अपने लोगों से बातें की हैं जो यहाँ के लिए ठीक तरीके से ग्राउंड बनाएंगे और ये ओपन जिम के रूप में बनेगा। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।